दोस्तों आज जो कॉमिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है खून एक पहेली। ये तुलसी कॉमिक वालों की स्टोरी है, मैंने खुद भी नहीं पढ़ी है कॉमिक्स, तो देखते हैं कैसी कॉमिक्स है ये। खून एक पहेली। शाम के समय एक लड़की बड़ी तन्मयता से समुद्र की लहर को देख रही थी और निकट ही एक श्यापोष नारियल के वृक्षों के पीछे खड़ा था। फिर वह श्यापोष आगे बढ़ा और धाएं धाएं आह। ठीक उसी समय खून खून पुलिस पकड़ो पकड़ो। धाएं अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ा, पता नहीं कौन है बेचारी। कुछ देर बाद, सॉरी इंस्पेक्टर, यदि आप थोड़ी देर पहले आ गए होते तो खूनी पकड़ा जाता। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सीपी कालरा है, मैं यहाँ सैर सपाटे के लिए आया था। उस व्यक्ति ने मेरे सामने इस लड़की पर गोली चलाई और सामने की दिशा में भाग पड़ा। मैं उसे देखकर चिल्लाया तो उसने मुझ पर भी गोली चलाई, मगर निशाना चूक गया और वह मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। आप उसका हुलिया बता सकते हैं? जी हाँ, औसत कद, चेहरा लंबा और दाएं गाल पर जख्म का बड़ा सा निशान। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर कालरा लौट पड़ा और अपनी कोठी में पहुंचते ही, हेलो डॉक्टर कालरा स्पीकिंग, डॉक्टर मैं वहीं श्यापोस बोल रहा हूँ। ओह, मगर मेरी तुम्हारी उस लड़की से क्या दुश्मनी थी? मेरी दुश्मनी तो अब तुमसे है डॉक्टर, क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया, तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, देखना यह है कि तुम्हारी मौत कब आती है। हे भगवान, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया। ठीक तभी, मैं लुट गया, डेड, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ दिए दिनेश? किसी ने निशा का खून कर दिया। निशा कौन? वही लड़की जिससे मैं प्रेम करता था। उसने मुझे समुद्र तट पर बुलाया था, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो माय गॉड, तो वह निशा थी। डॉक्टर ने श्यापोष के विषय में बताया और मैं उसका खून पी जाऊंगा डैड। कौन था वह कमीना? सॉरी दिनेश, मैं उसका नाम नहीं जानता। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में, कहिए मिस्टर खुराना, कुछ पता चला? नो सर, निशा के पिता बाबू जीवनराम का कहना है कि हमारे किसी से दुश्मनी नहीं थी। क्या निशा के किसी से प्रेम संबंध भी थे? यस सर, वह डॉक्टर कालराज के बेटे दिनेश को चाहती थी। गुड, फिर तो हमारा काम आसान हो गया मिस्टर खुराना। संभव है निशा का खून दिनेश ने कराया हो सकता है दिनेश उससे पीछा छुड़ाना चाहता हो। ठीक है सर, मैं उससे सुबह ही पूछताछ करूंगा। और अगली सुबह, इंस्पेक्टर, निशा मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, हम दोनों जल्दी विवाह करने वाले थे, उसे एक होकर तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। क्या आपके डैड इस संबंध में इस संबंध के पक्ष में थे? जी हाँ, उन्होंने अगले माह की 20 तारीख को हमारा विवाह निश्चित किया था। वह मेरी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अन्य युवक भी निशा को चाहता हो? मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर डॉक्टर कालरा, मुझे इससे आपोस की धमकी के विषय में इंस्पेक्टर सूद को बता देना चाहिए। एकाक, ओह वहीं से आपोस, धोए धोए माय गॉड। और थोड़ी देर बाद, आइए डॉक्टर, मैं तो स्वयं ही आपसे मिलने वाला था, बैठिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर कालरा ने पूरी बात बताई। श्यापोस ने आपको धमकी कब दी थी? कल रात। और आज उसने आप पर हमला भी किया है। जी हाँ, पार्क लाइन के पास। वह तो उससे मैं अच्छा था, जो कि उसका निशाना चूक गया और मैं बच गया। और आज जिस लड़की का खून हुआ है उसे मैं अपने घराने की बहू बनाना चाहता था। विवाह का दिन भी तय हो गया था, 20 जून। वेरी सैड। सबसे खतरनाक बात यह है इंस्पेक्टर कि वह मेरी जान के पीछे पड़ गया है। मैं आपकी सुरक्षा पर बंद कर दूंगा डॉक्टर। डॉक्टर कालरा लौट आया और उसी रात, हेलो, तो इंस्पेक्टर सूद ने तुम्हें सुरक्षा का वचन दिया डॉक्टर, तो तुम, मगर याद रखो, तुम्हें कोई भी ताकत मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। आखिर आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी मौत। डॉक्टर, तुमने मुझे पहचान कर अच्छा नहीं किया, यह झूठ है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, मैं विश्वास नहीं करता डॉक्टर। क्या मुसीबत है। दूसरी ओर सर दिनेश का निशा के खून से कोई संबंध नहीं है, मैं उसे मिल चुका हूँ।
मैं जानता हूं डॉक्टर कालरा भी मेरे पास आए थे, मगर उस हुलिया का व्यक्ति सर, मैं इस शहर के गुंडों से मिल चुका हूं, उनमें एक भी उस हुलिया का व्यक्ति नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर कालरा ने झूठ थोड़े ही कहा होगा। ठीक है सर, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। आप यह भी देखें कि निशा को दिनेश के अलावा कौन चाहता था। ओके सर। उधर उसी श्याम, मिस्टर गुप्ता, आप सेठ आहलूवालिया को देखा है? अभी अभी उसका फोन आया था। ठीक है डॉक्टर। और हाँ, बारिश हो रही है, यह बरसाती ले जाए। थैंक यू डॉक्टर। और फिर मगर सड़क पर आते ही धुआं धुआं, ओह खून खून, पकड़ो, हत्यारा भाग रहा है, खून पकड़ो। और शोर को सुनकर, माय गॉड, यह तो डॉक्टर गुप्ता है। देखा है, फिर ऐसा क्यों सोच रहा कि आप उसे जानते हैं? खैर, मैं आपसे फिर मिलूंगा, यह उसका भरम है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर शूद्र कालरा के क्लिनिक से निकला और सर प्रारंभिक कार्यवाही के पश्चात लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। थैंक यू मिस्टर खुराना। अब आप ऐसा करें कि डॉक्टर कालरा पर नजर रखे। मैं समझा नहीं सर, मुझे डॉक्टर कालरा पर संदेह है। ठीक है सर। तत्पश्चात, हो सकता है कालरा निशा को अपने घराने की बुनियाद बनाना चाहता हो। कुछ देर बाद, क्षमा करें जीवन राम जी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, बैठिए। बाबूजी, मैंने सुना डॉक्टर कालरा आपकी बेटी को अपने घराने की बहू बनाना चाहते थे, विवाह का दिन भी निश्चित कर दिया गया था साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आपको बहका रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने तो विवाह की तैयारी भी शुरू कर दी थी, मगर मैं नहीं जानता था कि क्या कोई अन्य युवक भी निशा से विवाह करना चाहता था। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी इंस्पेक्टर। शुक्रिया बाबूजी, अब मैं चलूंगा। उधर डॉक्टर कालरा, आखिर तुम बच गए डॉक्टर। देखो मैं सच कहता हूं, मैंने तुम्हारे विषय में पुलिस से कुछ भी नहीं बताया है। तो फिर पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है, यह मैं नहीं जानता। मैं सौगंध लेकर कहता हूं कि यह झूठ है, विश्वास करो। ठीक है, मैं विश्वास कर लूंगा, अपना अपराध स्वीकार कर लो। कौन सा अपराध? पुलिस से कह दो कि निशा का खून खून तुमने किया है, मगर खून तो तुमने किया है, फिर भी तुम इस अपराध को स्वीकार करोगे। मेरे हाथों से बचने का एक यही तरीका है डॉक्टर, सोच लेना, मैं फिर मिलूंगा। ओफ, इतनी बड़ी मुसीबत, इंस्पेक्टर सूद से मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में, सर डॉक्टर कालरा रात लगभग 8 बजे बालम के शराब खाने में गए थे। शराब खाने में क्यों? बालम से मिलने, मगर वह वहां नहीं था। बालम से डॉक्टर का क्या संबंध, यह मैं नहीं जानता सर, मगर फिर डॉक्टर लौट आए थे। उसके पश्चात मैं बालम से मिला, क्यों? यह जानने के लिए कि क्या वह डॉक्टर कालरा को जानता है। फिर उसका कहना कि वह किसी कालरा को नहीं जानता, मगर डॉक्टर कालरा उससे मिलने गया था। और आप जानते हैं कि कब बालम को पेशेवर कातिल के रूप में जाना जाता है। यस सर। मिस्टर खुराना, हमें इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कालरा का बालम से क्या संबंध है। मैं समझ गया सर, मुझे डॉक्टर कालरा की एक एक गतिविधि को देखना है। यस मिस्टर खुराना। उधर डॉक्टर कालरा अपने क्लिनिक में, यस डॉक्टर कालरा दिस साइड, कहिए। डॉक्टर, तुम्हारा इकलौता बेटा दिनेश इस समय मेरे कब्जे में है। क्या मतलब? मैंने उसका अपहरण किया है, मगर क्यों, किस लिए, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा था ना, निशा के खून का अपराध अपने ऊपर ले लो, ऐसा करने से लाभ यह होगा। अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो
तो कल श्याम दिनेश की लाश तुम्हें सौंप दी जाएगी। नहीं, मैं लुट गया इंस्पेक्टर, भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ डॉक्टर? कलरा ने दिनेश के विषय में बताया। तो श्या को चाहता कि आप निशा के खून का अपराध स्वीकार कर ले। जी हाँ, क्या निशा के खून से आपका कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर, उसे तो मैं अपने ग्रांड की बहू बना रहा था। यह बात बात झूठ भी तो हो सकती है इंस्पेक्टर, मैं झूठ नहीं बोलता। खैर आपका बालम से क्या संबंध है? बालम? जी हाँ, रात आप उससे मिलने गए थे। ओह वह, दरअसल मैं उसे अपनी सुरक्षा के सिलसिले में मिलने गया था। आप तो जानते हैं कि श्यापोस मेरी जान के पीछे पड़ा है। आई सी। खैर आप चिंता मत कीजिए, मैं दिनेश को उसके चुंगल से छुड़ाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, अब आज्ञा दीजिए। इंस्पेक्टर शुद्ध क्लिनिक से निकला और लगता पहली ओर उलझ गई है। अब मुझे बालम से मिलना पड़ेगा। और कुछ देर बाद, आइए इंस्पेक्टर कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बालम, मुझे तुमसे डॉक्टर कालरा के बारे में कुछ पूछना है। डॉक्टर कालरा? यह कौन है? तुम जानते हो यह कौन है? नहीं इंस्पेक्टर, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। रात वह तुमसे मिलने आया था, हो सकता भूलवश चला गया आया हो, मगर मैं किसी कालरा को नहीं जानता। तुम निशा को तो जानते हो? बिल्कुल नहीं, इस नाम की कोई लड़की मेरे जीवन में कभी नहीं आई। ठीक है बालम, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। बैठे न जब आए तो एक पैग पीते जाइए, मैं शराब नहीं पीता। और उसी रात, तुमने मेरी बात न मानकर अच्छा नहीं किया डॉक्टर, परिणाम तुम्हारे सामने है। क्या मतलब? कोठी के पीछे तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। दिनेश, मेरे दिनेश, यह क्या हो गया भगवान? थोड़ी देर बाद, आप क्या सोचते हैं मिस्टर खुराना? सर, लाश से खून भी नहीं बह रहा है, स्पष्ट है खून 2-2.5 घंटे पहले हुआ है। दूसरी बात यह है कि खून किसी दूसरे स्थान पर हुआ है। ठीक है, आप प्रारंभिक कार्यवाही पूरी कीजिए, मैं डॉक्टर कालरा से मिलता हूँ। उधर इंस्पेक्टर सूद जब डॉक्टर कालरा के घर पहुंचा, आइए इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लीजिए मुझे, मैं खूनी हूँ, दिनेश का खून मैंने किया है। आपने? क्या मतलब? मुझे अपने गुनाह की सजा मिल गई इंस्पेक्टर, मेरा इकलौता बेटा दुनिया से चला गया, लुट गया मैं। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। और फिर इंस्पेक्टर, यह झूठ है कि मैं निशा को अपने घराने की बहू बनाना चाहता था। मैं दिनेश का विवाह मेरे घराने में करना चाहता था, मगर दिनेश इसके लिए तैयार नहीं था, अतः मैंने निशा को रास्ते से हटाने की बात सोची और बालम से फोन पर संपर्क किया। उस दिन मैं अपना हुलिया बदलकर उसका मेहनताना भी उसके एक आदमी को दे आया, और इस प्रकार बालम ने निशा का खून कर दिया। मगर मुझसे एक चूक हो गई, आप खून खून चिल्लाए और बालम आपका आपका शत्रु बन गया। यही नहीं, हाँ, मगर उस समय मैंने निशा और बालम को नहीं पहचाना था। तो बालम जानता था कि उससे निशा का खून आपने कराया है? नहीं, मैं उसके सामने कभी नहीं आया, मैंने फोन पर भी अपना परिचय नहीं दिया था। मगर आप उससे मिलने गए थे, वह मेरे पीछे पड़ा था, अतः मैं उसे बताना चाहता था कि निशा का खून मैंने ही कराया, अतः मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, मगर मैं नहीं जानता था कि मेरा पाप इस रूप में भी मेरे सामने आएगा। मैं अपने बेटे को खोकर जीना नहीं चाहता इंस्पेक्टर, मैं मरना चाहता हूं। आप मुझे गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दीजिए। और उसी समय अगले दिन बालम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बालम ने बताया, कारण मैं नहीं जानता, मगर पुलिस कई बार मेरे अड्डे पर गई थी, अतः मैं सोचता था कि डॉक्टर कालरा ने पुलिस को मेरे पीछे लगाया है, अतः तुम डॉक्टर के दुश्मन बन गए। हाँ, और फिर मैंने चाहा कि कालरा निशा के खून के अपराध को सम स्वीकार कर ले, ताकि पुलिस का ध्यान मेरी ओर से हट जाए। ठीक है, चलो। तो दोस्तों को हम यहीं पे समाप्त होते हैं, कोई ज़्यादा खास तो नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।